अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने कुकिंग चैनल मेन्यू में क्या है कि हॉस्ट आप खुश आमदीद कहती हूँ। आज हमारे मेन्यू में क्या है? आज हमारे मेन्यू में है जीरे वाले सेम आलू। जीरे वाले सेम आलू बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो सेम, आधा किलो आलू, 1 चम्मच हमने लिया है गरम मसाला पाउडर, आधे चम्मच हमने लिया है दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच हमने लिया है नमक, 3 चम्मच हमने लिया है कुटी लाल मिर्च, 5 अदद हमने लिए हैं टमाटर चॉप, 3 अदद हमने लिए हरी मिर्ची स्लाइस, 3 चम्मच हमने लिया है जीरा साबुत जीरा, आधा कप हम लेंगे इसमें कुकिंग ऑयल। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा को हम लाइट गोल्डन कर लेंगे अच्छे से। जीरा हमारा भुन रहा है, जब जीरे की हमारी खुशबू आएगी, जीरे की खुशबू उठने लगेगी, हम इसमें डाल देंगे सेम। देखिए हमने इसमें सेम आलू डाल दिए थे और इसको हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक, गरम मसाला पाउडर, कुटी लाल मिर्च, दालचीनी पाउडर और उसके साथ ही हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। हमने इसके अंदर सब चीज़ें मिला दी हैं। टमाटर के पानी में ही हमारी भुजिया सब्ज़ी जो है गल जाएगी। इसमें हम कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही कवर करके बनाएंगे, खुला पका कर नहीं पकाएंगे इसको। इसको हम कवर करके रख देंगे कि हमने पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला है। सब्ज़ी का टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। आलू भी अच्छे से गल गए हैं, ये देखें आलू भी गल गए हैं, सेम भी गल गए। ठीक है, अब हम यहाँ डाल देंगे हरी मिर्चें। इसको ना पकाना है ना दम पे रखना है, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करके अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आज की हमारी ये डिश रेडी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये मेन्यू पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए मेन्यू के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी होस्ट को। अल्लाह हाफिज़।